हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट, जो हम 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर सीख रहे हैं, जिसमें अल्केन का जो पार्ट सीख रहे हैं, उसमें का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो आज हमें सीखना है। तो आज हमें सीखना है तो क्या करना है कि हमें कोई बेसिकली चीज़ें आज पढ़ना है। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन के बारे में आज डिस्कशन करना है कि कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन होता क्या है, कैसे रहता है, उसका डिस्कशन इस लेक्चर्स में करना है। तो देखो, बहुत ध्यान से देखना है इस लेक्चर्स को। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अल्केन होता है, अल्केन इसमें कैसा होता है, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। वो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो, अल्फाबेटिकल जो है, यहाँ पे सिग्मा इस तरह से उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो हमें क्या करना है इस लेक्चर्स में, हमें क्या सीखना है कि कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन होता क्या है। मैंने क्या बोला आपको, जो अल्केन होता है इसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसी को अरेंजमेंट जो करते हैं हम स्पेस में, जब इस अल्केन को, फॉर एग्जाम्पल इथेन को, अल्केन का एग्जाम्पल है इथेन, जब इथेन को हम स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं, तो ये क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसका लेस इस लेक्चर्स में हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे जब अरेंजमेंट करते हैं स्पेस में, इसी को हम कॉन्फर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, कॉन्फर्मेशन, और कॉन्फर्मर्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दूसरा जो है कॉन्फर्मर्स बोलते हैं, और तीसरी बात जो है प्रोटेटोमर्स भी बोलते हैं, प्रोटेटोमर्स। जैसे कि अब इस लेक्चर्स में हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इथेन लिया। इथेन में क्या होता है, दो कार्बन और छः हाइड्रोजन होते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लिखे वाला है। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो है कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। एग्जाम्पल लेते समय आपको एक बार ध्यान देखना है कि यहाँ पे दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक है सोर्स प्रोजेक्शन और जो है दूसरा जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है और सोर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका तो डिस्कशन मुझे यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे एक इथेन की चेन ली है। देखो, यहाँ पे एक इथेन का चेन लिया है, ओके। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दोनों जगह पे कार्बन है, दोनों जगह पे कार्बन है। जब ये 60 डिग्री से स्पेस में रोटेट करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर वो क्या करने वाला है, फॉर्म करने वाला है। कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला है, इस लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कार्बन है, इसी को हाइड्रोजन ज्वाइन है, यहीं पे हाइड्रोजन ज्वाइन है। देखो, यहीं पे हाइड्रोजन ज्वाइन है, यहीं पे हाइड्रोजन ज्वाइन है, यहीं पे हाइड्रोजन ज्वाइन है, ओके। जब ये स्ट्रक्चर 60 डिग्री से या 360 डिग्री से जब रोटेट करेंगे, तो ये ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करने वाला है। कैसे फॉर्म करने वाला है, बहुत सारी। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री से घुमा दूँ, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या आने वाला है, यहाँ पे जाने वाला है। देखो, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला, तो ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन एक ऐसी कंडीशन वाली आ रही है, जैसे कि ये जो है ऐसे था तो ये ऐसे घूम गया। बोले तो यहाँ पे सोर्स, जैसे कि हम सोर्स प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथेन का ये स्ट्रक्चर से, इथेन का ये मार्कर पेन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है कि इस एंगल को इसे सामने से देखना है। कैसे से देखना है, यहाँ पे आँख लगाना है। देखो यहाँ पे, तो ये जो कंपाउंड है अगर 60 डिग्री से फिल गया, तो इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा। इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करने के बाद में देखो, इसी को बोलते हैं इलिप्सिड फॉर्म, इलिप्सिड और स्टारगेट फॉर्म।
एलिप्सिड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, ये फॉर्म होता है। सिर्फ यहाँ पे इथेन का जो है, इथेन मॉलिक्यूल जो है अल्केन में का, उसका रोटेशन हो रहा है। अगर इस एंगल से मैं देखूंगा, इस एंगल से तो यहीं पे कार्बन था, यहीं पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको सोर्स प्रोजेक्शन है। अगर वहाँ पे अगर कितना भी रोटेट हुआ तो वही पोजिशन में वो आने वाला है, मेरा कहने का इरादा है। तो अगला जो है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको अच्छी तरह से पढ़ा देता हूँ व्हाट इज माय न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन होता क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, कि समझो इसने जो है दो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, कौन कौन से, एलिप्सॉइड और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया। समझो मैंने इथेन की स्ट्रक्चर इस एंगल से दिखी थी तो मुझे इस तरह के कंपाउंड मिले थे दोनों। जब मैं 60 डिग्री से कंपाउंड हुआ था तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का रोटेशन हुआ था, हाइड्रोजन का यहाँ पे रोटेशन हुआ है। बट अगर मैं इस इथेन को 3D स्ट्रक्चर में देखो, 3D स्ट्रक्चर जो है जैसे कि इथेन की हमें बोर्ड पे निकालना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं इथेन को इस एंगल से देखूंगा यहाँ से, जैसे कि हमने पहले इस तरह से देखा था लेकिन अभी इस एंगल से देखना है। तो फिलहाल में यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इसके पीछे ये कार्बन है, इथेन में दो कार्बन होते हैं, इसके पीछे जस्ट इसके पीछे एक कार्बन है। तो कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, समझो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और इसके पीछे बोले तो आपको दिखाई नहीं देगा आंखों से, तो इसके पीछे एक कार्बन है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जॉइन है, यहीं पे ये हाइड्रोजन जॉइन है, यहीं पे ये हाइड्रोजन जॉइन है। अगर मैंने बोला इसके पीछे भी एक कार्बन है तो यहाँ पे वो कार्बन को भी हाइड्रोजन जॉइन होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होना है, C2H6 हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है, ये डॉटेड लाइंस जो है ये क्या है, ये कार्बन के पीछे के हाइड्रोजन के डॉटेड लाइन है। मैंने इथेन को पहले इस एंगल से देखा था, अभी मुझे इस एंगल से देखना है फॉर एग्जांपल। तो देखने के बाद में इसके पीछे एक कार्बन आ जाएगा, इसके पीछे जो हाइड्रोजन है, समझो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमें इंडिकेट करेंगे यहाँ पर डॉटेड लाइन। अगर मैंने यहाँ पे उसी इथेन को क्या किया, 60 डिग्री से मैंने यहाँ पे उसको रोटेट करवा दिया, रोटेट करवाने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, ये कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ से चेंज होने वाली है। ऑलरेडी इसके पीछे भी एक कार्बन है लेकिन हम 3D स्ट्रक्चर्स में इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वो अगला वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है बिल्कुल हमारी आंखों से हमें यहाँ पे दिखता नहीं है। तो अगर इसको मैं 60 डिग्री से फिर भी घुमा दूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटरफेयर हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के जस्ट था, यहाँ पे हाइड्रोजन के जस्ट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होने वाली है थोड़ी सी, ओके। इसी को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म है इसी को एलिप्स स्ट्रक्चर्स और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ई फॉर एलिप्स और एस फॉर देखो यहाँ पे स्टैगर्ड्स, एस फॉर स्टैगर्ड्स। यहाँ पे मैंने दोनों भी बताया है कि यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन जो है उसका जो एग्जांपल देख रहे हैं हम, जस्ट इथेन, इथेन को हम क्या बोलते हैं, द इंटरमीडिएट्स कॉन्फर्मेशन, जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कॉन्फर्मेशन होता है, एंड स्टारगेट नोन एज अ कॉन्फर्मेशन। देखो मैंने अभी यहाँ पे एक बात मैं बताना यहाँ पे भूल गया हूँ कि यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन, ये एलिप्सॉइड और स्टारगेट इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का एग्जांपल मैंने इथेन लिया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन की कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसे क्या करो आप जो है ओके ऐसे पूरी तरह से रजिस्टर में लिखो, उसको उससे लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं बाजू हो जाता हूँ, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको तो पेन से लिख लो, फर्स्ट है और सेकंड स्लाइड है। तो यहाँ पे दोनों स्लाइड्स में मैंने आपको बताया न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है और सोर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका डिस्कशन इस लेक्चर्स में
हमने बिल्कुल देखा है। तो आज का लेक्चर्स हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में किसके वीडियो बनाने वाला हूँ, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है, अल्किन। अल्किन का भाग हमें कल से चालू करवाना है, उसका डिस्कशन हमें फर्स्ट लेक्चर्स में देखना है। तो बच्चों हम यहीं पे आज रुकते हैं, थैंक यू।